छेड़खानी बंद करो, बंद करो। राष्ट्रीय के साथ छेड़खानी बंद करो। जिंदाबाद मारो फुंडा, जिंदाबाद मारी पग, जिंदाबाद मारी पगड़ी, जिंदाबाद मारी पगड़ी, जिंदाबाद मारी कट्टी, जिंदाबाद मारो कट्टो, जिंदाबाद मारो फिर सो, जिंदाबाद मारो फिर सो, जिंदाबाद मारो फिर सो, जिंदाबाद। अस्सी अस्सी बिल के साथ छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो। अस्सी अस्सी रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो। अस्सी अस्सी रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो। गुजर एकता जिंदाबाद, गुजर बकवाल एकता जिंदाबाद, गुजर बकवाल एकता जिंदाबाद, गुजर बकवाल एकता जिंदाबाद, गुजर बाकी है। लोगों का अभी से पता चला है कि हमारी रिजर्वेशन के साथ किस तरह का छेड़छाड़ हो रहा है, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे हमारे नौजवान सिर्फ नौशहरा के अंदर नहीं, जो आज ये करीम यहाँ पे आपने देखी है, ये राजौरी से भी इनका ताल्लुक है, जम्मू में जो लोग हमारे लड़ रहे हैं उनके साथ भी हमारा ताल्लुक है, और ये पूरा एहतजाज जो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है इसको हम पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे, उनके साथ चलेंगे, और अपना भी एहतजाज जो नौशहरा के अंदर है इसे बढ़ दर्ज करवाएंगे। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे अगर बिल फिर से ये टेबल करके अगर उसी को उस शक्ल में लाने लगे तो हमारी भेड़ बकरियां, हमारी भैंसें, हमारे माल मवेशी, हमारे कट्टे कट्टियां जो भी हैं वो सब आपको रोडों पे दिखेंगे। और ये लोग जो गुजर बकरवाल तबका एक ट्राइबल तबका है, ये खाना बदोश तबका है, ये जुझारू लोग हैं, ये जंग करना जानते हैं, ये अपना एहतजाज लड़ना जानते हैं, ये अपनी मेहनत करना जानते हैं, ये अपना हक हासिल करना जानते हैं, इनको मजबूर मत कीजिए। मैं यही कहूँगा कि आप जो बिल जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है उसको जो है वापस कीजिए, जीडी कमीशन जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसको वापस कीजिए, रोल बैक कीजिए, और ताकि ये लोग जो हैं फिर से सड़कों पे ना आएं, फिर से मजबूर होकर आपके खिलाफ एहतजाज इस तरह के दर्ज ना करवाएं, मेरी ये अपील रहेगी। तो क्या राजौरी से भी कोई बुलावा आपको आया कि राजौरी में किस तरह से प्रोटेस्ट की जाएगी, तो वहाँ पे भी आप शामिल होंगे? देखिए आज भी वहाँ पे हमारी एक मीटिंग जो है वो चल रही है, नौजवानों की मीटिंग है, आगे का लायअमल जो है वो तैयार किया जा रहा है, और जिस तरह का लायअमल आगे होगा उसी तरीके से हम चलेंगे, अपने लोगों को अपने नौजवानों को अवेयर करेंगे। और लास्ट में एक जरूर कहना चाहूंगा कि सारे लोग बोलेंगे हमारे साथ, हमारी पग जिंदाबाद, हमारा कुंडो जिंदाबाद, हमारी पेट जिंदाबाद, मारो कुंडो जिंदाबाद, हमारी कट्टी जिंदाबाद, हमारी कट्टो जिंदाबाद, हमारी मैस जिंदाबाद। लेली बच्ची सब ले गाण भाई बिल्कुल, और कई कई दिन नौशहरा खोल नहीं देने लगा, बिल्कुल मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, लेकिन अपने आख नहीं छोड़ने लगा, आख वास्ते लड़ना है, जेड़ो बंदो जिंदो है उसने जिंदो साबित भी होना है, यो नहीं के मैं खल गया जी एसटी एसटी ना, बिल्कुल डट जाओ, जम्मू जाना हो दिल्ली जाना हो आम जाऊंगा, पैसा लाना आम लावांगा, परवाह नहीं है, 10 मैच बेच होना के बाद मैच खेल लेगा। कमीशन रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट, रोल बैक, छेड़छाड़ ना मंजूर, ना मंजूर, ठीक है था छेड़छाड़ ना मंजूर, ना मंजूर, ठीक है था छेड़छाड़ ना मंजूर, ना मंजूर, ठीक है था छेड़छाड़ ना मंजूर, ना मंजूर, जस्टिस कोई बात, 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 जस्टिस बीजेपी सरकार।
एमएलए नहीं लड़ सकता। आज वे दूसरे पंच भी नहीं बन सकता रविंदर रैना जैसा लोग। वे सेंटर ना गुमराह करने ला, अपर कास्ट मुस्लिम कदे बीजेपी ने वोट नहीं देने लगा। अमित शाह साहब मोदी साहब तुम सुन लो जस्टिस एसटीएससी रिजर्वेशन के साथ जिंदाबाद। तो ये थे खुशी है बंड की, ना कुछ तंग सोच है ना विचार है, अपना कारोबार करा। तुमने लोगों ने देखा कि फेसबुक आज हर बंदू चलावे, ट्विटर हर बंदू चलावे, बिल बनता भी रहे, देता भी रहे, आता भी रहे, जाता भी रहे। मारो एक रहनुमा इतको हमने बाकी था 2000 मिला था हमारे नाल और इतु हम सारी एक भी सीट भी मजाक निकल देने लगा। बिल्कुल बेशक लोका के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के और एक जो पहाड़ी का आदमी है जम्मू में एक बड़ी मतलब एक प्राइवेट अकेडमी में पढ़ के, हम वो दोनों मुकाबले करवाओगे क्या? उस वो एक गवर्नमेंट स्कूल, हम एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, वो प्राइवेट अकेडमी में पढ़ा है, तो हम देखो उनके साथ कैसे मुकाबला करेंगे? हमारा मुकाबला उनके साथ बनता ही नहीं है। वो एक आईएएस कर रहा है, उसको भी एसटी मिल रही है, हम यहाँ से कोशिश कर रहे हैं, हमें एसटी, हमें भी वही सेम से मिल रहा है, तो उनके साथ हमारा मुकाबला बिल्कुल हो ही नहीं सकता। हम गवर्नमेंट स्कूल से, वो एक बड़ी बड़ी कोचिंग ले रहे हैं, उन कोचिंग के साथ देखो ना हम लोगों का कैसे मुकाबला होगा? ये तो सरकार को ये चीज दे, हमें तो अपने भैंसों का काम करना पड़ता है, हमें 6 महीने पहाड़ों पे जाना पड़ता है, हमारे ढारे हैं वहाँ, मतलब एक ढोक में जाके 6-6 महीने उधर रह के 6 महीने वापस आके यहाँ स्कूल में पढ़ के, तो देखो उनके साथ जो वो पूरा पूरा साल कोचिंग ले रहे हैं, उनके साथ हमारा मुकाबला कैसे करवाया जा रहा है? ये हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, आंखें खोलनी चाहिए कि गुजर बकरवाल हैं कौन, है कहाँ रहते हैं, करते क्या हैं। देखो हमारे साथ वो जो जम्मू में बैठे हैं हमारे साथ यहाँ पे 6-6 महीने ट्राइबल के साथ मुकाबला करवा रहे हैं, ये मुकाबला कैसे बन सकता है? ये मुकाबला हमारा नहीं हो सकता। प्लीज हमारे यही रिक्वेस्ट है कि ये जो बिल है ये वापस लिया जाए। We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! We want